आपको लिए चलेंगे उज्जैन के नागदा, जहां पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नागदा पहुंचे हुए हैं सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रोड शो की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त यहां पर रोड शो चल रहा है और उज्जैन, जहां से पार्टी ने अनिल फिरोजिया को मौका दिया है, दोबारा मौका दिया है, और यही वजह है कि उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हुए हैं। एक दो बार छोड़ दिया जाए तो उज्जैन सीट भाजपा का गढ़ रही है और अब डॉक्टर मोहन यादव रोड शो करने पहुंचे हैं। आज धुआंधार प्रचार के सिलसिले में धार और खरगोन का भी सीएम ने दौरा किया और इसके बाद अब उज्जैन पहुंचे हुए हैं। आज ही इस रोड शो के बाद वो एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो लगातार धुआंधार प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगे हुए हैं और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजापुर नक्सली एनकाउंटर में बड़ा अपडेट, मुठभेड़ में अब तक 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है, इनके शव और हथियार बरामद कर लिए गए। बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा यहां के जवान इसमें शामिल है, हालांकि ज्वाइंट ऑपरेशन है। इसमें डीआरजी शामिल है, एसटीएफ शामिल है, कोबरा बटालियन शामिल है, सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शामिल हैं। तकरीबन 1200 जवान इन्होंने नक्सलियों के बड़े लीडर्स की मौजूदगी की खबर मिली और उसके बाद इन्हें घेर लिया गया। 1200 जवान इस पूरे ऑपरेशन में शामिल होना बताए जा रहे हैं। नक्सली मुठभेड़ में बड़े नक्सली लीडर्स की मौजूदगी की खबर थी। गंगालूर इलाके के पीड़िया के जंगल में ही मुठभेड़ चल रही है। माना जा रहा है कि एक और बड़ी कामयाबी फोर्सेस को मिल सकती है कांकेर के बाद। कांकेर में 29 नक्सली ढेर किए गए थे, अब तक 12 माओवादियों को ढेर किए जाने की खबर है, मारे जाने की खबर है। खबर यह थी कि हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा पापा राव, ऐसे बड़े लीडर्स का पीडिया में जमावड़ा है। नक्सलियों की कमेटी DKSZC, DVCM, ACM, ये अलग अलग कैडर है नक्सलियों के, अलग अलग पोस्ट है नक्सलियों की, ऐसे समझ लीजिए। इस कैडर के बड़े नक्सली लीडर थे और इसी सूचना पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तीन जिलों का एक ज्वाइंट फोर्स बनाया गया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कांकेर का ऑपरेशन आपने देखा किस तरीके से टारगेटेड ऑपरेशन था और अब बीजापुर से भी इसी तरह की खबर। 1200 से ज्यादा जवानों ने इलाके को घेर रखा है, कुछ नक्सलियों को गोली लगी है, अधिकारी साफ तौर पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। पुष्टि अभी तक बीजापुर SP ने जितेंद्र यादव ने मुठभेड़ की है, अलग अलग अखबारों में इसका जिक्र है। चैतू के भी यहां होने की बात कही जा रही है, तकरीबन 40 लाख का इस पर इनाम है, दो लेयर की सिक्योरिटी में रहता है। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीनिवास के पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, अब तक क्या कुछ अपडेट? माना यह जा रहा है कि अब तक ये कांकेर के बाद का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, कांकेर सबसे बड़ा ऑपरेशन, उसके बाद का ऑपरेशन ये, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? फिलहाल
नक्सल ऑपरेशन के तहत आज ऑपरेशन लॉन्च किया गया। बड़े माओवादियों के लीडर की होने की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद तीनों जिलों के ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन तीनों जिलों के जो सुरक्षा बल थे, जिसमें डीआरजी थी, कोबरा थी, सीआरपीएफ थी, बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर के लगभग 1000 से अधिक जवानों ने आज सुबह ही उस इलाके में घुसी, क्योंकि पीड़िया इलाका जंगल इलाका है, कोर इलाका है, और वहां पर जो पापा राव सीसी मेंबर उसकी टीम होने की सूचना मिलती। स्वाभाविक है, इतने बड़े लीडर रहते तो उसकी सुरक्षा में काफी लोग भी मौजूद रहते। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक लगभग 12 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, क्योंकि इलाका कोर है, अंधेरा भी हो गया है, और जवान जब तक सुरक्षित लौटेंगे तभी पूरी चीजें की क्लियर होगी। अब तक बता दूं कि इन 4.5 माह में लगभग 100 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करके ढेर कर दिया है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बस्तर के लिए। बस्तर में नक्सलवाद काफी समय से पैर पसार चुका है और इसको खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल जो लगातार ऑपरेशन कर रही है। जी, एक और बात के हालांकि जवानों की संख्या अच्छी खासी बताई जा रही है, मेरा ख्याल है तकरीबन 1200 से ज्यादा जवान हैं, फिर भी उनकी सिक्योरिटी एक बड़ी बात है श्रीनिवास। और चूंकि अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया है, जवानों की सुरक्षा को लेकर कोई अपडेट मिल पाया है? देखिए, जो इलाका है कोर इलाका है, तो स्वाभाविक है उस इलाके से जवानों को मुख्यालय तक आने में काफी वक्त लगेगा। बीजापुर से जो इलाका है लगभग 70 किलोमीटर के आसपास से, और ये दंतेवाड़ा जिला से लगा हुआ है, तो जवान जब मुठभेड़ करते हैं तो मुठभेड़ करने के बाद जो वापस जो लौटते हैं तो उसके लिए भी एक एहतियात बरतना होता है, और जो बैकअप पार्टी है उसके लिए तैयार रहती है। क्या इसे हमारे दर्शक ऐसे समझें कि अगर ये टारगेटेड ऑपरेशन होगा तो हमारे पास हर तरह की रणनीति होगी, हमारे पास QRT होगी, और जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि बैकअप प्लान्स होंगे, ये सब कुछ होगा, क्या ऐसे समझा जाए श्रीनिवास? जी बिल्कुल, जब घटना होती, जब सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन करने निकलती तो स्वाभाविक है जो आसपास के जिले रहते उनके जवानों को अलर्ट कर दिया जाता। बस्तर आईजी जब इस मामले में जो हमारी चर्चा हुई थी तो बस्तर आईजी ने कहा था कि आने वाले दिनों में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होगा, जो बड़े जो टॉप मोस्ट माओवादी उनको टारगेट सुरक्षा बल करेगी। तो ऐसे में जो बड़े हैं, जो इनामी नक्सली है, एक करोड़ के इनामी नक्सली खुद वहां अबूझमाड़ इलाके में मौजूद थे, तो स्वाभाविक है एक अबू कांकेर बेल्ट में और नारायण बेल्ट के बाद जो आज जो ऑपरेशन हुआ, ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है सफलता के तौर पे माना जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ये बड़े ऑपरेशन के तौर पर इसे आप देखिए, और जब यहां से खबरें निकल कर आएंगी तो यकीनन जवानों के साथ साथ लोगों का मनोबल भी बहुत ऊपर होगा। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।